हेलो फ्रेंड्स, शोज़ वॉच एंड रीवॉच में आप सबका स्वागत है। ये देखिए, सुबह आसमान एकदम साफ और सूर्यदेव भी तेज़ी से निकले हैं। ये देखिए, मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत तेज़ है और गर्मी भी वैसे ही है। तो जल्दी से मैं फूल उठा लेती हूँ और फिर चलिए दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सारे फूल। और फ्रेंड्स, मैं सब्जी देखिए काट कर रखी हूँ। ये परवल पोस्त बनेगा, बैंगन भाजी और आम दाल, तो यही देखिए। और ये दो आलू काट के रखे हैं, दो टुकड़े हैं, राइस के साथ दे दूँगी। और ये सब्जी वाले आए थे तो उसी से खीरा ले लिए हैं और थोड़ा भिंडी। दाल बॉयल हो चुका है, फिर मैं नहा कर भी आ चुकी हूँ। अब मुझे देना है पूजा, तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। मैं नहाने के बाद पूजा देती हूँ, पूजा देने के बाद फिर मैं करती हूँ नाश्ता। और आज है मंगलवार तो मैं क्या करूँगी, चलिए दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, पूजा तो मैंने दे दिया है, अभी जाऊँगी थोड़ा ब्रेकफास्ट करूँगी। बॉयल राइस, आज मंगलवार है तो बॉयल राइस ही मैं लेती हूँ। आप जानते ही हो फ्रेंड्स, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो चलिए दिखाते हैं। उसके पहले थोड़ा भगवान को भी मैं दर्शन करवा दूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो कुछ खास नहीं है, फिर भी जो जगह है उसी को मैं थोड़ा सजा कर देती हूँ। जिस दिन भगवान वैसे मौका देंगे तो उनके लिए भी उस तरह से मैं चाहूँगी बनाना, उनके लिए भी एक मंदिर जैसा बनाऊँगी। और ये देखिए, इधर मम्मी कर रही है नाश्ते की तैयारी, आटा सान कर रोटी बना रही है। अभी मैं लूँगी राइस, तो चलिए बैठ के मैं आपको दिखाती भी हूँ और साथ में खाना भी खाती हूँ। फ्रेंड्स, आप तो देख ही चुके हैं मुझे मिनी ब्लॉग में, आप फिर भी देख लीजिए मेरा रोज़ का रूटीन, आज मंगलवार का कैसा रूटीन है। तो देखिए, ये बॉयल राइस बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी भी है। इसमें मैंने थोड़ा सा घी ले लिया, नमक और आलू तो था ही। मम्मी सेक रही है रोटी। और फ्रेंड्स, आज मैं नाश्ते के बाद जो बैठी हूँ, स्कूल का मेरी भतीजी निम्मी के लिए स्टोरी लिखना था, वो आपको किसी ऐप पर वो भेजना था, स्कूल से ही आया हुआ है तो वही की हूँ। ये देखिए, मैं दिखा दूँ लंच में क्या, आम दाल, बैंगन भाजी, परवल पोस्तो, और साथ में देखिए फ्रेंड्स कच्चा प्याज। कच्चा प्याज गर्मी में खाना बहुत ही हेल्दी होता है। ये मम्मी कर रही है लंच, मम्मी का जो सब्जी उसके साथ था आपका मछली, तो चलिए हम लोग दिखाते हैं। और फ्रेंड्स, मैं बोलूँगी इस तपते गर्मी के से बचने के लिए आप रोज़ ORS के पानी या घर में बनाएं वो नींबू का शरबत या कोई भी शरबत बनाकर आप पिए, ताकि शरीर थोड़ा सा ठंड रहे और ज़रूरत ना पड़े तो घर से मत निकलिए। इतनी गर्मी, बारिश का कोई नामो निशान नहीं, लेकिन आज से न्यूज़ में भी दिया हुआ है कि आज से शनिवार तक आपका बारिश होगा शाम के वक्त। तो शाम के वक्त तो आज आपका बहुत ही आंधी तूफान हुआ, लेकिन बारिश तो बिल्कुल ही नहीं हुआ फ्रेंड्स। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैं टेरेस पर गई थी थोड़ा सा देखने के लिए कि कैसा क्या हालत है, वही मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये देखिए, आसमान तो बिल्कुल शांत हो चुका है और थोड़ा थोड़ा छींटे पड़ रहे हैं बारिश के। ये देखिए, अंधेरा छाया हुआ है, बहुत ही ठंड मौसम है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का दिन मेरा ऐसा गया। ये देखिए फ्रेंड्स, नाग चंपा कितना अच्छा सा खिला है, कितना अच्छा लग रहा है। अंधेरा छाया हुआ है, देखिए इस तरफ मैं दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो। ये देखिए, बहुत हवा दे रहा है, ठंड, ऐसे मौसम ठंडा है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, नीचे चलते हैं क्योंकि फिर अंधेरा छा जाएगा और बारिश भी होगा। तो चलिए,
तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।